आज का जो हमारा टॉपिक है वो है MAG-02 का, MAG-02 ब्रिटिश ड्रामा के ब्लॉक 4 का यूनिट 1। हम टॉपिक में आगे बढ़े इससे पहले MAG से रिलेटेड सारी जानकारी को एक्सेस करने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए, IGNOU-ME इंग्लिश MAG, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स साथ ही में कमेंट में भी पिन कर दी है। इससे आगे जब हम बढ़ेंगे तो फॉर क्विक एंड रेगुलर अपडेट्स डू ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप IGNOU-ME अपडेट, जिसके लिंक भी ऑलरेडी मेंशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही में पिंड है कमेंट बॉक्स में भी। हम लोग आते हैं टॉपिक पे। देखो ब्लॉक 4 क्या है, बेन जॉनसन की द अल्केमिस्ट। सबसे पहला टॉपिक जो है वो है लाइफ एंड वर्क्स ऑफ बेन जॉनसन। बेन जॉनसन की जो सिग्निफिकेंस रही है ब्रिटिश ड्रामा पे वो लाई करती है उसकी पाइनियरिंग रिगार्डिंग फॉर प्लेज, उसकी वेल डॉक्यूमेंटेड लाइफ रही है एंड दी डायरेक्ट रिलेवेंस करती है उसके काम से, उसके वर्क से जो कि थिएटरिकल एंड सोशल डेवलपमेंट्स में हमें दिखती है। अनलाइक बहुत से ऐसे कंटेम्प्रेरीज रहे हैं जिन्होंने व्यू किया है प्ले को एज अ इंफीरियर, जॉनसन जो है एलिवेट करते हैं ड्रामा को एज अ सीरियस लिटरेरी स्टेटस और सेट करते हैं एज अ प्रेसिडेंटेड बाय इंक्लूडिंग हिज प्लेज इन दी 1616 फोलियो एडिशन ऑफ हिज वर्क। हम लोग जब इस मूव में हम देखते हैं कि पेव जो रास्ता उनके लिए बना था वो सब्सिक्वेंट पब्लिकेशन था शेक्सपियर के फर्स्ट फोलियो का, उस उनकी जो क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन रही है शेक्सपियर के इनॉग्रेटेड न्यू सीरियसनेस इन ड्रामा क्रिटिसिज्म रही है। जॉनसन की जो लाइफ शुरू होती है वो शुरू होती है लंदन में अराउंड 1572 उनके पिताजी के डेथ के बाद। उनकी माँ और स्टेप फादर जो थे अ ब्रिक लेयर जॉनसन, उन्होंने रिसीव किया कुछ एडुकेशन सन मार्टिन स्कूल से और लेटर ऑन वेस्टमिंस्टर स्कूल, जहाँ पे उन्होंने गेन करे अटेंशन ऑफ इन्फ्लुएंशियल फिगर्स जैसे विलियम कॉम्पटन, विलियम कैमडन, एंड उनकी जो फॉर्मल एडुकेशन रही है वो एंड होती है अराउंड एज ऑफ 16 में, जो कि लीड करती है उनकी वेरियस प्रोफेशन को इंक्लूडेड ब्रिक लेइंग और जो मिलिट्री सर्विस रही उनकी फ्लैंडर्स में। साथ ही में ये एम्बार्क करता है उनकी लिटरेरी करियर को एज एन एक्टर राइटर, इनिशियली प्रोड्यूसिंग जो उनके वर्क्स रहे हैं अ टेल ऑफ अ टब, द आइल ऑफ डॉग्स जो कि लीड करते हैं अ ब्रीफ इंस्टिंक्ट इन जेल में, ठीक है। उनकी जो मैरिज एंड द बर्थ ऑफ इनके बच्चों की रही है वो एक पीरियड को मार करती है, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर स्टेज पे गई है वो 1598 में शेक्सपियर विद शेक्सपियर इन दी कास्ट, कास्ट में शेक्सपियर भी थे, जो उनकी एक मेजर सक्सेस रही डिस्पाइट अ सब्सिक्वेंट इम्प्रिजनमेंट फॉर किलिंग एन एक्टर इन अ ड्यूएल। जो प्ले रही है जो कि लंदन में सेट होती थी एग्जेम्प्लीफाइज की है जॉनसन की पाइनियरिंग यूज ऑफ कैरेक्टर टाइप्स बेस्ड ऑन ह्यूमर्स। ये जो फॉलोइंग ईयर्स रहा है एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर फर्दर एस्टैब्लिश जॉनसन जॉनसन की व्यू जो रही है ऑन कॉमेडी एंड सटायर, ट्रिगरिंग अ फ्यूड विथ फेलो प्ले राइट जॉन मार्टसन लीडिंग टू अ सीरियस ऑफ सेट्रिकल वर्क्स फ्रॉम बोथ पार्टीज। ये जो कॉन्फ्लिक्ट रही है जिसे हम आज समझते हैं कि किस हिसाब से ये वॉर ऑफ दी थिएटर्स बनी, फिर उन्होंने एलिवेट करा जॉनसन के रेपिटेशन को, सिक्योर करती है प्लेसेस एज अ लीडिंग प्ले राइट। इसी में जब हम लास्ट पॉइंट को देखेंगे तो ही सॉर्ट ऑफ रिफ्यूजी विथ वेरियस पैटर्न्स और इंगेज उन्होंने किया है खुद को लिटरेरी परस्यूट्स में, जैसे एपिग्राम्स हो या कॉन्ट्रीब्यूट टू प्रोजेक्ट्स जैसे कि रिविजन ऑफ द स्पेनिश ट्रेजेडी इन 1603। ही वेंचर्ड इन टू ट्रेजेडी मार्किंग अ शिफ्ट इन हिज क्रिएटिव एंडेवर्स। इसमें जब हम आगे बढ़े तो जो क्रोनोलॉजी हम लोग उनकी लाइफ के बारे में समझते हैं, जो बेन जॉनसन की लाइफ रही है स्पैंड फ्रॉम हिज बर्थ 1572 टू उनके डेथ में अंडर द रिजाइन ऑफ चार्ल्स आई रेस्ट जो कि लंदन में थी। उन्होंने शुरू करा एज अ अपेरेंटिस ब्रिक लेयर बिफोर ज्वाइनिंग दी इंग्लिश एक्सपेडेंशरी फोर्स डिस्पाइट इम्प्रिजनमेंट एंड अ स्टिंक्ट एज कैथलिक। उनकी जो टैलेंट रही है वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुई है प्लेज में, जैसे कि एवरी मैन इन हिज ह्यूमर या फिर एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, जो कि शोकेस करती है उनकी विट को, उनकी सटायर को। जॉनसन फेस करते हैं लीगल ट्रबल्स इंक्लूडिंग चार्जेस ऑफ ट्रिजन, या फिर ऑल्सो उन्होंने इंजॉय करा है रॉयल पैट्रनेज को, जो कि राइटिंग उन्होंने करा था मास्क एंड कोलैबोरेटिंग उनके प्लेज के साथ।
उनके बाद के सालों ने देखा है कि किस हिसाब से रिटर्न हुआ है पब्लिक स्टेज का, अकोलेट्स का, एंड सच एज ऑनरी मास्टर ऑफ आर्ट्स फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। जॉनसन्स की जो लेगेसी रही है इंडियोर्स करती है थ्रू हिज फोलियो एडिशन ऑफ वर्क्स एंड द सन्स ऑफ बेन लिटरेरी ग्रुप को। इससे हम आगे बढ़े तो जो क्रिटिकल एक्सट्रैक्ट्स रहे हैं, एमसी ब्रैडब्रुक हाईलाइट करती है जॉनसन के डेडिकेशन को टू डिफेंडिंग हिज आर्ट थ्रू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। इविडियंट उनके जो प्लेज इंट्रोडक्शन रहे हैं, जो कि एपिलॉग्स रहे हैं, एसिडेंशियल कॉमेंट्स विच फॉर्म अ कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी ऑफ ड्रामा फॉर हिज एरा, जो क्लॉड जे समर्स एंड टेड लैरी पे वर्थ ने नोट किया था। जॉनसन कंटिन्यू एक्सपेरिमेंटेशन कहाँ पे थिएटरिकल फॉर्म इन हिज फाइनल प्लेस डिस्पाइट इसके उनके जो लैक ऑफ पॉपुलैरिटी रही है, ये सारी चीज़ें रही हैं। रेनू जैन ने इसे ऑब्जर्व किया जॉनसन के एवोल्यूशन को फ्रॉम ट्रेडिशनल न्यू कॉमेडी टू कॉमेडीज विथ सिम्बॉलिक डेप्थ, हार्फोर्ड एंड सिंपसन इम्फेसिस, जॉनसन्स अनपैरेलल्ड लिटरेरी रिकॉग्निशन एंड पर्सनल इम्पैक्ट एपिटोमाइज बाय द सिंपल येट प्रोफाउंड एपिटैप ओ रेयर बेन जॉनसन, जिसने कैप्चर किया है जेकोबिन्स एरा को, जो कि व्यू है उन्हीं का एज अ सिंगुलर एंड इन्फ्लुएंशियल फिगर इन लिटरेचर। सो दिस इज अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ लेक्चर, जो कि ब्लॉक 4 के यूनिट 1 का पोर्शन था। हम लोग इसमें जब आगे बढ़ेंगे तो फॉर फर्दर डिटेल्स यू कैन ऑल्सो विजिट आर ऑफिशियल वेबसाइट। आप हमारे प्ले स्टोर से हमारे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ पे इग्नू वाले टाइल्स पे आप क्लिक करोगे तो वहीं पे आपको सारे रिसोर्स मटेरियल मिल जाएंगे MEG से रिलेटेड। हम इसमें आगे बढ़े, हो सकता है आपको सॉल्व असाइनमेंट की PDF चाहिए होगी, आप हमारे कंसर्न व्हाट्सएप नंबर पर MEG 500 का कोड लिख के आप भेजो और हम आपको आपके सब्जेक्ट कोड के हिसाब से PDF शेयर करेंगे। अगेन आई एम मेंशनिंग, डू ज्वाइन आर व्हाट्सएप ग्रुप इग्नू MEG अपडेट्स फ्री में, जहाँ पे आपको रेगुलर और क्विक अपडेट्स मिलते रहेंगे। हमारे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। डू ज्वाइन, डू सब्सक्राइब, डेली वाइज।